हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग क्लास 11th की जो बिजनेस स्टडीज वाली बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक मैं आपको चैप्टर 7 तक डिस्कस कर चुकी हूँ और आज हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, कई चैप्टर्स तो मैंने एक ही वीडियो में कम्प्लीट करने की कोशिश की है, तो आप बाकी के 7 चैप्टर्स देख लीजिएगा, फिर 8 चैप्टर देखने आइएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे टीजीटी कॉमर्स हो या पीजीटी कॉमर्स हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 8, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब आपको क्लियर ही है कि जो हम अपनी लिविंग के लिए या इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, बिजनेस कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी बिजनेस अगर हमको करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। तो वही पैसा जो फाइनेंस हम इकट्ठे करते हैं वही क्या कहलाता है, बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। यानी हमें, हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया आया है कि हमें इस टाइप का बिजनेस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है कैपिटल। उसी कैपिटल को हम फाइनेंस कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, किन किन माध्यमों से हम अपने बिजनेस में फाइनेंस लगाते हैं या पैसे इकट्ठे करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे कह रहा है नेचर, मीनिंग नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, यानी बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो द टर्म फाइनेंस मीन्स मनी ऑफ फंड। ठीक है, तो फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसों से मतलब होता है, फंड से मतलब होता है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज, यानी कि हमें अपने बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज या गतिविधियां जो करनी है उनके लिए जो फंड्स की हम रिक्वायरमेंट है उसी को क्या कहते हैं, बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, फाइनेंस इज नीडेड एट एवरी स्टेज इन अ लाइफ ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के हर स्टेज में हमें फाइनेंस की जरूरत होती है। सीधी सी बात है, बिना पैसों के हम बिजनेस में कुछ भी नहीं कर सकते, ना नया सामान मंगा सकते हैं। ठीक है, ना अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं, बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते। तो हर एक स्टेज पे, चाहे वो मिडिल लेवल हो या स्मॉल लेवल हो या लार्ज लेवल हो, हर स्टेप पे हमें बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत पड़ती ही है। इसीलिए हम फाइनेंस को क्या बोलते हैं, लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो जैसे एक इंसान के लिए खून की जरूरत होती है, ब्लड उसके लिए बहुत जरूरी है एक इंसान के जीवित रहने के लिए, उसी तरीके से एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती ही है। इसीलिए बोला जाता है कि फाइनेंस इज कार्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो लाइफ ब्लड होता है वो होता है आपका फाइनेंस। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इस लाइन को आप याद रखिएगा। ए बिजनेस कैन नॉट फंक्शन अनलेस एडुकेट फंड्स आर मेड अवेलेबल टू इट। अगर बिजनेस में फाइनेंस नहीं होगा तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि नीड्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो हमने अभी पढ़ा कि बिना पैसों के हम अपने बिजनेस को चला ही नहीं सकते, हमें बिजनेस में हर एक स्टेज पे जो है पैसों की जरूरत पड़ती ही है। तो उसी की हम बात करने वाले हैं कि नीड क्यों पड़ती है बिजनेस फाइनेंस की। तो पहली नीड की अगर हम बात करें तो पहला है हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ एसेट्स में कि करंट एसेट्स होती हैं और फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। तो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल का मतलब फिक्स्ड एसेट्स ही है कि हम अपने बिजनेस में जब हमें फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी होती हैं, ऐसी एसेट्स जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती हैं, लंबे समय तक फायदा देती हैं। ठीक है, जिन्हें हम लॉन्ग टर्म यूज करने के पर्पज से खरीदते हैं बिजनेस में, वही क्या कहलाती है, फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है। तो हमारी जो मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, तो इन सारी चीजों को खरीदने के लिए जिन पैसों की हमें जरूरत पड़ती है वही हमारी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब फिक्स्ड कैपिटल तो हम लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते हैं, उसमें डेली वाइज हम नहीं लगाते। ठीक है, लंबे समय के लिए लगाते हैं। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, ये हमारी डेली के ऑपरेशंस में लगने वाले पैसों की बात कर रहा है। यानी हमें अपने बिजनेस में जो मजदूर लगे हुए हैं उनको वेजेस देना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देना है, रेंट देना है, टैक्स देना है, तो इन सब चीजों के लिए जो हम पैसे खर्च करते हैं ये अपने बिजनेस के डेली के ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो पैसे हम खर्च करते हैं वही क्या कहलाते हैं, वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से मतलब ये है कि हम अपने बिजनेस में कई तरह की चीजें करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही प्रोडक्ट को लेकर के उसी का बिजनेस करेंगे। हम बहुत सी चीजें करते हैं, अलग अलग जगह अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं।
वही क्या कहलाता है, डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। तो अगर हमें एक शहर से दूसरे शहर में अपना बिजनेस करना है तो उसके लिए भी हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी भाई। वहां पे हमें अपना एक ऑफिस बनाना होगा, कुछ स्टाफ रखना होगा जो वहां पे हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग और परचेजिंग देख सके। तो ये सब आपका डाइवर्सिफिकेशन में आ जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो अगर हमें अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, पुरानी मशीनें हटा करके नई मशीनें लाना है, तो उसके लिए भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी बिजनेस बिना पैसों के हो ही नहीं सकता, हमें हर एक स्टेज में, हर एक स्टेप पे जो है बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं नीड्स हमारी बिजनेस फाइनेंस की। चलिए अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स क्लासिफिकेशन, यानी कि वो कौन कौन सी सोर्सेज हैं हमारे बिजनेस में जिनसे हम अपने बिजनेस में फाइनेंस इकट्ठे करते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीन बेसिस पे होता है। एक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, यानी पीरियड के बेसिस पे हम सोर्सेज इकट्ठे करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें कौन सी सोर्सेज चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी चाहिए, मीडियम टर्म के लिए कौन सी चाहिए। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं पीरियड के बेसिस पे। दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के बेसिस पे हमें चाहिए कि ओनर्स फंड क्या है, बोरोड फंड क्या है। सीधी सी बात है, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम दो तरह से पैसे ले सकते हैं। एक, या तो हमारे पास जो पैसे हैं हम उसको इस्तेमाल करें, या फिर हम बैंक से लोन ले लें या अपने दोस्तों से ले लें। तो जब हम अपने खुद के पैसे को बिजनेस में लगाते हैं तो वही क्या कहलाती है, ओनर्स फंड कहलाती है। और जब हम कहीं से बोरो करते हैं फंड, या फिर बैंक से ले रहे हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, या किसी फ्रेंड से ले रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगी, बोरोड फंड कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन। अब हम जनरेशन से बात कर रहे हैं कि जनरेशन के बेसिस पे हम कहाँ कहाँ से लेते हैं। तो एक हमारी इंटरनल सोर्सेज होती है और एक हमारी एक्सटर्नल सोर्सेज होती है। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज मतलब कि हम अपने अंदर हमारे पास जो पैसे रखे हुए हैं उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इंटरनल सोर्सेज में आ जाएंगी। और जब हम कहीं बाहर से पैसे लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारी एक्सटर्नल सोर्सेज में आ जाएंगी। तो ओवरऑल हमारी इतनी सोर्सेज होती हैं, जो कि हमको और ज्यादा डीप में आगे चल के आगे वीडियोस में पढ़ना है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फंड्स में कि कौन कौन सी सोर्सेज होती हैं। तो सबसे पहले हम पीरियड्स के बेसिस पे पढ़ेंगे, फिर हम ओनरशिप के बेसिस पे पढ़ेंगे, फिर हम उनके जनरेशन के बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दे रही हूँ, एक पीरियड के बेसिस पे होता है, तीन तरह का, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। ठीक है, दूसरा ओनरशिप के बेसिस पे होता है, तो ओनर्स फंड और बोरोड फंड। तीसरा हमारा जनरेशन के बेसिस पे होता है, तो इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। तो टोटल इतने सोर्सेज ऑफ फंड्स होती हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा टॉपिक जो सोर्स ऑफ फाइनेंस की हम बात करेंगे, कि हमारी एक एक जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होती है उनका क्या मतलब होता है, उनकी क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होती है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा रिटेन अर्निंग्स। तो ये एक तरह की ऐसी अर्निंग्स होती है कि हम अपने बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो हम डिविडेंड दे देते हैं। ठीक है, कुछ हिस्सा हम अलग से संभाल के रखते हैं फ्यूचर में उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, वही क्या कहलाती है, रिटेन अर्निंग्स कहलाती है। चलिए इसकी डिफिनेशन भी देख लेते हैं। अ पोर्शन ऑफ कंपनीज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, यानी कि प्रॉफिट का ऐसा पोर्शन जो हम टैक्स और डिविडेंड देने के बाद बचा के रख रहे हैं, विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बट आर रिटेन फॉर यूज इन द फ्यूचर। उसको हम कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और अपने फ्यूचर में बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए उसको दोबारा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, री इन्वेस्ट पर्पज, उसी को हम क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के वो पैसा जो प्रॉफिट से हम अलग बचा करके रख ले रहे हैं डिविडेंड और वो देने के बाद टैक्स, वही क्या कहलाता है, रिटेन अर्निंग्स कहलाता है। और ये एक तरह का सोर्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग होता है, कि खुद की फाइनेंसिंग करना, इसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स को। ठीक है, चलिए इसकी मेरिट्स देख लेते हैं। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कॉन्टिन्यूअस सोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स का, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स हम अपने प्रॉफिट्स में से ही बचा के रख रहे हैं। देयर इज नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड और फ्लोटेशन कॉस्ट। इसमें कोई किसी तरह का इंटरेस्ट या डिविडेंड या फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगती, क्योंकि एक तरह की सेल्फ फाइनेंसिंग है, हम खुद के पैसे को संभाल के अलग से रख रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक गुल्लक। नेक्स्ट है हमारा बिकॉज फंड्स आर जनरेटेड इंटरनली देयर इज मोर ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि हम अपने पैसों को खुद से जनरेट करके रख रहे हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा फ्रीडम वाली बात हो जाती है, क्योंकि हमारे पैसे, हमारा जब मन करेगा हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उसमें किसी तरह की मतलब प्राइवेसी एकदम रहती है, हम अपने ऑपरेशंस में उसको जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल होते हैं और फ्रीडम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इम्प्रूव्स द कंपनीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस।
तो हमें भविष्य में कोई अनएक्सपेक्टेड लॉसेस आ जाते हैं तो उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हमारे पास रिटेन अर्निंग रखी हुई है, हम पहले से कुछ पैसे संभाल के रखे हुए हैं तो ठीक है। अब चलिए इसके एक मेरिट्स है तो कुछ डिमेरिट्स भी है वो भी देख लेते हैं। इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड्स एज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग। ये एक अनसर्टेन सोर्स है क्योंकि फिक्स नहीं है, जितना प्रॉफिट होगा उसी में से तो हम निकाल के रखेंगे। अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं या डिविडेंड देने के बाद पैसा बचा ही नहीं तो हम कैसे उसको रिटेन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड है। नेक्स्ट है हमारा द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस फंड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी फर्म्स। तो इससे कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएट हम नहीं कर सकते क्योंकि हम अपनी फंड्स को संभाल के रख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिव प्लगिंग बैक में कॉज डिससेटिस्फेक्शन अमंग्स द शेयर होल्डर। तो ये कभी कभी शेयर होल्डर से डिससेटिस्फाई हो जाते हैं कि हम लोगों को कम डिविडेंड दिया और अपना ज्यादा संभाल के रख लिया, ठीक है। तो ये कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेड क्रेडिट। तो वीडियो आपकी ज्यादा लंबी ना हो इसलिए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी तक मैं 8वां चैप्टर पढ़ा रही हूँ और सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाया गया है, कोई चार्ज नहीं लिया गया है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।